नमस्कार साथियों, आपके अपने VPS स्कूल घनश्यामपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछला चैप्टर हमने जो किया था ज्योग्राफी का, दूसरा चैप्टर पृथ्वी के अंदर इनसाइड आवर अर्थ। आज का जो चैप्टर हमारा ज्योग्राफी क्लास सेवेंथ का 3 नंबर चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी, इसके बारे में आज अध्ययन कर रहे हैं। इसमें देखो, पिछले लेसन में आपने पढ़ा था कि पृथ्वी की अलग अलग परतें, तीनों परतों के बारे में पढ़ा था आपने, प्रॉपर्टी, मेंटल और एक क्रोड के बारे में। तो आज उसी से आगे के बारे में चर्चा करेंगे। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जो स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। यह पिछले लेसन में भी आपको बताया था और इसमें भी है। प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है। उस लेसन में प्लेटें जो अपनी होती है बताया था कि तीनों ही जो प्लेटें हैं आपस में एक जगह से दूसरी जगह लगातार गति करती रहती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है द्रवित होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह अगर द्रवित पिघलेगा तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो वो क्या होता है, आपने बताया था कि ठंडा होता है बाहर निकलने के बाद, जहां पर ठंडा होता है या पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, वो मैग्मा जैसे बनता है, जो अलग अलग उनकी शैलें बनती हैं, जो शैलें 3 प्रकार की आपको करवा रखी है पिछली वीडियो में। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, ये चक्कर के रूप में एक वृत्त के रूप में लगातार घूमता रहता है, जिसमें से ये मैग्मा जब घूमता है तो सबसे पहले ये आग्नेय शैल, कांद्रिक शैल और साथी शैल के रूप में अपना अपना ये रूप बदलते रहते हैं। अब यह प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर, भूपरपट्टी पर, जबकि पृथ्वी के ऊपर या अंदर कुछ न कुछ लगातार परिवर्तन होता रहता है। वो परिवर्तन मानव द्वारा भी हो सकता है, प्रकृति के द्वारा भी हो सकता है, पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण गतियां उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण उनके अंदर गतियां उत्पन्न होती हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे वाली जो वीडियो है वो गतियां, जिनके कारण गतियां उत्पन्न होती है, गतियों के बारे में, वो गतियां कौन कौन सी हैं, वो अपने आगे वाली वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।